नगर पालिका ने बस स्टैंड के पास स्थित धर्मशाला में बिना अनुमति के निर्माण कार्य पर कार्रवाई की है। दरअसल शासन से धर्मशाला संचालन के लिए ट्रस्ट को भूमि लीज पर मिली थी, जिसका लीज समाप्त हो चुका था, लेकिन ट्रस्ट सदस्यों के परिवार वाले उस धर्मशाला का व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर रहे थे, साथ ही अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहे थे। वहीं नगर पालिका अधिकारी अपने अमले के साथ पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे सामानों को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। साला पूर्व में शायद लीज में था ये, इसके बारे में आरंग में कई समिति द्वारा शिकायत किया गया है और इसका पूरा डॉक्यूमेंट लगाया गया है। यह निजी व्यक्ति और जो संबंधित व्यक्ति हैं इस धर्मशाला का, वो ट्रस्टी है, ट्रस्ट समाप्त हो चुका है, लीज समाप्त हो चुका है। शिकायत के आधार पर मुख्य नगर पालिका द्वारा सीएमओ द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। डागा ट्रस्ट का धर्मशाला था जो कि इनको लीज पे मिला हुआ था, लीज की अवधि काफ़ी समय पहले समाप्त हो गई और उसके बाद भी मतलब निर्माण संबंध काफ़ी नोटिस उनको दिया भी गया है और एक समिति है प्रयास सेवा समिति, उसके द्वारा शिकायत भी गई है जो कि आपका एसडीएम कोर्ट में और हमारे यहाँ नगर पालिका में उसका मामला लंबित है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे थे, वो निर्माण कार्य कराए जाने की जो अनुमति बिना लिए लोग निर्माण कार्य करा रहे थे उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गरियाबंद में मौसम की बेरुखी किसानों